नमस्कार साथियों, मैं राहुल भट्ट अपने YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी विद राहुल भट्ट पे आपका स्वागत करता हूँ। ये आज मैं प्रॉफिट और लॉस की प्रैक्टिस सीरीज का ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट प्रॉफिट और लॉस का प्रैक्टिस सेट वन और प्रैक्टिस सेट टू ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप उस वीडियोज को भी देखना चाहते हैं तो आप YouTube पे क्रिएटिव स्टडी विद राहुल भट्ट सर्च करिए, हमारे सारे वीडियोज वहां पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। और ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज जो है प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट थ्री है, जो कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सबके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। और तो चलिए आज की इस सीरीज का जो पहला क्वेश्चन, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। तो आज की इस सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है, अणु एक वस्तु को, ध्यान से सुनिएगा, अणु एक वस्तु को उसकी लागत से 35% अधिक अंकित करता है। ध्यान से सुनिएगा, अणु उसकी लागत मतलब क्रय मूल्य, यानी अणु ने जितने के में खरीद के लाया उससे जो है उसकी लागत से 35% अधिक अंकित करता है। वह उसकी कीमत फिर यानी कितने में लाया उसपे 35% अधिक अंकित किया, उसकी कीमत पर 20% की छूट देता है, यानी फिर उसपे 20% की छूट देता है और 25% की और छूट देने का निश्चय करता है। आगे देखिए, तथा 57 रुपए की हानि उठानी पड़ती है, उसके बाद भी उसे 57 रुपए की हानि उठानी पड़ती है। वस्तु की लागत कीमत यानी कि क्रय मूल्य क्या है? बहुत ही आसान है, ऐसे क्वेश्चन को 100 मान के हम बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो मान लेंगे कि सीपी कितना है, 100 है। सीपी कितना मानेंगे यानी उसका जो लागत मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो 100 रुपए है, ठीक है। तो यहाँ पे उस पर 35% अधिक अंकित करता है, तो मार्ग प्राइस, तो अंकित मूल्य क्या होगा, इसका 35% अधिक कर दीजिए, तो 100 का 35% अधिक अंकित करता तो उसका 135% निकाल लीजिए, तो 135% कितना होगा, 135/100, तो 100 से 100 का जी, तो मार्क्ड प्राइस कितना हो गया, 135 हो गया, ठीक है। कास्ट प्राइस 100 रुपया और जो है 35% बढ़ाया तो ये हो गया 135 रुपया, ठीक है। अब आगे देखिए, अब जो है वह उसकी कीमत पर 20% की छूट देता है, यानी बेचने से पहले 20% की छूट देता है और 25% की और छूट देने का निश्चय करता है, तथा 57 रुपए की हानि उपार्जन, वस्तु की लागत मूल्य क्या है, ठीक है। तो अब जो है हम विक्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है। अब उसने मार्ग प्राइस पे पहले कितना, पहले 20% की छूट, फिर 25% की छूट, तो जो सेलिंग प्राइस होगा ये है आपका मार्ग प्राइस, इसमें पहले कितने की छूट देता है, 20% की छूट देता है, तो 20% की छूट देता है तो मार्ग प्राइस का 80% निकाल लीजिए, यानी 20% की छूट देने के बाद मूल्य कितना हो गया, 135 × 80/100। अब उसके बाद क्या किया, और उसके बाद 25% की और छूट देता है, पहले 20% की छूट दिया तो उसका 80% निकाल ली, अब इस मूल्य में भी 25% की छूट देता है, तो इस मूल्य का जब 25% छूट देता है तो इसका आप कितना निकालेंगे, 75% निकालेंगे, कितना निकालेंगे, 75% निकालेंगे, ठीक है। तो ये आएगा एसपी, चलिए देखते हैं कितना आता है, 20 × 80 × 20/25 100, ठीक है। 25 × 75 × 25 100, ये 4 × 4 एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 5 × 5 5 × 2 = 10, यहाँ 3 बचेगा, 5 × 7 = 35, यानी यहाँ पे 27 बचा है, यहाँ पे 3 बचा है, तो एसपी कितना हुआ, 81 हो गया, कितना एसपी हुआ, 81, यानी वस्तु को खरीदा कितने में था, 100 रुपए में, और बेच कितने में रहा है, 81 रुपए में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, क्या हो रहा है, हानि है, 100 रुपए में खरीदा था, 81 रुपए में बेच रहा है, तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, हानि कितना हो रहा है, हानि कितना हो रहा है, हानि तो यहाँ पे हो रहा है 119 रुपए का हानि हो रहा है, 19 रुपए का, रुपया नहीं, 19 यूनिट का हानि हो रहा है, हमने 100 यूनिट लागत मूल्य मारा यहाँ और 81 यूनिट में बेचा जाए तो 19 यूनिट का यहाँ पे हानि हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कहा कि 57 रुपए की हानि उठानी पड़ती है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 19 यूनिट का घाटा, और इसका मतलब ये 19 यूनिट है किसके बराबर है, 57 रुपए के बराबर, तो जब 19 यूनिट 57 रुपए के बराबर है तो एक यूनिट किसके बराबर होगा, 57/19, 19 से कम 19, 19 × 3 = 57, ठीक है। तो यहाँ पे एक यूनिट किसके बराबर है, एक यूनिट 3 के बराबर है,
एक यूनिट किसके बराबर, तीन के बराबर है। हमने कास्ट प्राइस कितना माना है, 100 माना है, तो 100 यूनिट किसके बराबर होगा, 100 × 3 = 300, 100 × 3 = 300। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा यानी लागत मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 300। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 300। ठीक है, तो ये कितने आसान ट्रिक से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, कम से कम समय में सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इस प्रश्नों की श्रृंखला में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको हम हर टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे तुरंत देखें, इससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्नों की श्रृंखला में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आज की सीरीज का जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो उस पर चलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये है, यदि 10% क्वेश्चन देखिए, कोई व्यक्ति, अच्छा अगला जो क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 8 रुपए में 10 वस्तु खरीदता है, क्या होता है, 8 रुपए में 10 वस्तु खरीदता है, यानी 8 रुपए में कितने वस्तु खरीदता है, कोई व्यक्ति है 8 रुपए में 10 वस्तु खरीदता है। अब आगे ध्यान से सुनिएगा, और उन्हें 1.25 और उन्हें 1.25 रुपए प्रति वस्तु की दर से, रुपए 1.25 रुपए प्रति वस्तु की दर से, प्रति वस्तु की दर से बेचता है उसका प्रतिशत लाभ कितना, अगला जो क्वेश्चन है उसका प्रतिशत लाभ कितना है, उसका प्रतिशत लाभ कितना है। अगर पहले की बात करें तो 20% दिया है, 20% पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिया 19 = 1/2%, और जो तीसरा ऑप्शन दिया 50%, और चौथा ऑप्शन दिया 56 = 1/4%। ये क्वेश्चन है, बड़े ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इस तरह का मैं एक और क्वेश्चन करवाऊंगा और इस तरह के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बड़े ही आसानी से क्लियर हो। 8 रुपए में 10 वस्तु है और उन्हें जो है 1.25 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि पहले लिखे कितनी वस्तुएं हैं, यानी आर्टिकल्स कितने हैं और उनका प्राइस कितना है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आर्टिकल्स कितने हैं और यहाँ पे लिखे CP और यहाँ पे लिखे SP। ठीक है, कोई व्यक्ति 8 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदता है, कितने, अब CP के सामने है तो कितने वस्तुएं खरीदता है, 10 वस्तुएं खरीदता है, कितने रुपए में खरीदा, 8 रुपए में खरीदा, और उन्हें 1.25 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है, यानी एक ही वस्तु बेचा है, यानी बेचने की एक वस्तु को कितने में बेच रहा है, 1.25 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, अब यहाँ जो है चाहे आपको लाभ प्रतिशत निकालना है चाहे हानि प्रतिशत, उसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए जरूरी है कि ये आर्टिकल्स की जो संख्या है वो सेम होना चाहिए। अब मान लीजिए कास्ट प्राइस 10 आर्टिकल का, तो सेलिंग प्राइस भी हमको 10 आर्टिकल का ही लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम से कास्ट प्राइस 10 आर्टिकल का ले और सेलिंग प्राइस 1 आर्टिकल का ले, तो इससे लाभ हानि हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 आर्टिकल है तो इसको भी हम क्या करेंगे, 10 आर्टिकल, तो जब 1 आर्टिकल का 1.5 है तो इसको 10 आर्टिकल बना दे, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो जब अगर हम यहाँ 10 का करेंगे तो यहाँ पर भी 10 का करना पड़ेगा, तो होगा कितना, 12.5। ध्यान से समझिएगा, यानी यहाँ 10 वस्तु का कास्ट प्राइस कितना हो गया, 8 रुपया, और 10 ही वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 12.5। अब यहाँ सही कैलकुलेशन हो गया, तो आप देखिए कास्ट प्राइस 8 रुपया है, सेलिंग प्राइस 12.5 रुपया, तो लाभ हो रहा है कि हानि हो, लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 4.5 यानी 4.5 का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो अगर हम लाभ प्रतिशत की बात करें तो लाभ बट्टे क्रय मूल्य, यानी 4.5 बट्टे क्रय मूल्य कितना, 8 × 100, यही है ना। अब ध्यान से समझिए, 4.5 100 का तो मतलब हुआ 10 × 10, ये तो आप जानते हैं, 10 × 10। ठीक है,
दस गुणे दस, इसमें तो कोई तो एक दस का क्यों ना हम 4.5 में मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हम हमेशा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए दशमलव को रिमूव करते हैं। तो ये हो गया 45/8, 45/8 × 10, 45/8 × 10, ठीक है। अब इसको और आसान किया जाए, और आसान किया जाए, 2 × 5 = 10 और 2 × 4 = 8 आएगा 225, 45/5 में 225/4। और तो इसको सालो करेंगे तो देखिए 4 × 4 = 20, 2 बचेगा, 4 × 6 = 24, 1 जो है एक रिमाइंडर यानी कि एक शेषफल बचेगा, शेषफल को ऊपर रखिए और जो ये नीचे जो है इसको मिक्स फ्रैक्शन में नीचे ही रखते हैं। तो आया क्या आंसर, 56 सही 1/4%। तो इस तरह के सवाल को कितने आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। इसके लिए आपको यही ट्रिक रखना पड़ेगा कि आर्टिकल को सेम करिए, तो जब आर्टिकल सेम करेंगे तो सीपीएसपी आपको पता ही है, उसके बाद आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो मैं हर टाइप के क्वेश्चन को करवा रहा हूं, अब इसी तरह का मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूं, चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा, हाँ ये बताना, जो करेक्ट आंसर वो क्या होगा, 56 सही 1/4%। तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन कराएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर से क्लियर होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, हाँ, एक फल विक्रेता, ध्यान से सुनिएगा, एकदम सेम क्वेश्चन, एक फल विक्रेता क्या है, 1 रुपए में 22 नींबू खरीदता है, 1 रुपए में कितना नींबू खरीदता है, 22 नींबू खरीदता है। देखिए 22 ऐसे ही क्वेश्चन है, 1 रुपए में कितना नींबू खरीदता है, 22 नींबू खरीदता है। ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति, एक फल विक्रेता है, 1 रुपए में 22 नींबू खरीदता है, तो 22 नींबू खरीदता है तथा उन्हें रुपए तीन में 25 की दर से बेचता है। लाभ प्रतिशत बताइए, पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। एकदम सेम क्वेश्चन, हर टाइप का कम से कम मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर से बेहतर क्लियर हो, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है। चलिए अब लाभ प्रतिशत पे आते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया है 132%, दूसरा ऑप्शन दिया है 125%, और जो तीसरा ऑप्शन दिया 164%, और जो चौथा ऑप्शन दिया है 140%। ये 4 ऑप्शन दिए हुए, ठीक है। अब सॉल्यूशन पे आते हैं, ध्यान से समझिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन को करना रहेगा तो एक जगह लिखिए आर्टिकल्स, आपने कितना सामान खरीदा गया है या कितना सामान बेचा गया और उनका प्राइस कितना है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए सीपी, यहाँ पे लिखिए एसपी, कितना 1 रुपए में कितना नींबू खरीदा, 22, तो आर्टिकल को यहाँ लिखिए 22, कितने रुपए में, 1 रुपए में, ठीक है। अब यहाँ पे है और 3 रुपए में 25 की दर से बेचता है, यानी नींबू की संख्या कितना है, 25, और कितने में बेचता है, 3 रुपए में, ठीक है। देखिए हम सीपी और एसपी यानी लाभ या हानि तभी निकाल पाएंगे जब आर्टिकल की संख्या सेम रहे। यहाँ तो आर्टिकल 22 है, खरीदा गया 22 और बेचा, मतलब यहाँ 22 और यहाँ पे 25 है, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, आर्टिकल की संख्या सेम करेंगे। तो सेम करने का तरीका ये है कि यहाँ 22 का आप 25 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और 25 में 22 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर्टिकल की संख्या सेम हो गई, यानी 22 × 25 है, 25 × 22 तो एक ही हुआ। इसको आपको निकालने की कोई खास जरूरत है नहीं, क्योंकि हाँ एक और चीज, यहाँ आर्टिकल की संख्या तो सेम हो गई, यहाँ आपने 22 में 25 का मल्टीप्लाई कर दिया और 25 में 22 का, आर्टिकल की संख्या सेम हो गई। तो जब आप यहाँ 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब यहाँ आप 22 का करेंगे तो यहाँ पर भी 22 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आर्टिकल की संख्या तो सेम हो गई, आपने 25 का मल्टीप्लाई किया, या 22 × 25 हो गया, या 25 में 22 का करें तो 25 × 22, तो आर्टिकल की संख्या तो सेम हो गई, ये तो हमें क्लियर है, तो इसे आप मल्टीप्लाई करके निकालने की जरूरत नहीं। अब हमको पता चल गया कि 22 × 25 चाहे जो भी आए
उसका जो प्राइस है वो 25 रूपया है और एसपी जो सेलिंग प्राइस है उतने ही वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो 66 रूपया है। तो यहाँ तो एक क्लियर है कि यहाँ लाभ हो रहा है। अब कितने का लाभ हो रहा है, 66 से 25 से कितना बड़ा है, 66 बड़ा है। तो 6 में 5 जाएगा 1, 6 में 4 2 जाएगा 4, 41 रूपये का लाभ है। कितना है, 25 रूपये के सामान को 66 रूपये में बेचता है, 41 का लाभ है। तो लेकिन लाभ को तो हमको प्रतिशत में बताना है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत लाभ कितना हुआ 41 का, और क्रय मूल्य कितना है 25, 41/25 गुणे 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 4 है। अब इस 4 का 41 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एक कम 4, 4 चौक 16, तो लाभ कितना हुआ 164% का। यानी आपके सामने जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसको करने का यही तरीका है, आप आर्टिकल की संख्या को क्या करेंगे, सेम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लाभ कितना हुआ 164% का, तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब जो है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही आसान, देखिए कितने आसानी से आप क्वेश्चन को कर ले रहे हैं। तो हर टाइप का मैं कम से कम 2-2 क्वेश्चन दे दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लें। अगला जो है, यदि किसी वस्तु का लागत में, अगला जो क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 80% है, इसके विक्रय मूल्य का 80% है, कितना प्रतिशत है, 80% है, ठीक है। अब पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत बताए, क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा, यानी बताया ना क्या है आपको, लाभ प्रतिशत आप कितने आसानी से कर सकते हैं। चलिए पहले इसके ऑप्शन को देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। 20% दिया है, दूसरा ऑप्शन 25% दिया है, तीसरा जो ऑप्शन है 28% दिया है, 28%, और जो चौथा ऑप्शन है, चौथा जो ऑप्शन है वो है 30%। चौथा ऑप्शन क्या है, 30%। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए पूछ कहा क्या है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 80%। तो पहले 80% का मतलब क्या होता, 80% का मतलब होता है 4/5। कैसे, 80% मतलब पर 100, यानी 80/100, तो 20 चौक 80, 20 25 100, यानी 80% का मतलब तो हुआ 4%, ठीक 4/5। क्वेश्चन में कहा गया कि जो लागत मूल्य है इसके विक्रय मूल्य का 80% है, लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 80%। इस बात का ये मतलब है कि अगर लागत मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य कितना है, 4 है। कि क्या है, लागत मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 80%। इसका ये मतलब हुआ कि जो विक्रय मूल्य अगर 5 है तो लागत मूल्य कितना है, 4 है, ये मतलब हुआ। यानी लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, यानी अगर जो विक्रय मूल्य हम 5 माने तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ही समझिए कि यहाँ लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। तो तय है कि लागत मूल्य 4 है और विक्रय मूल्य 5 है, तो यहाँ पे लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है, 4 है, लाभ कितना हो रहा है, 1 का हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत लाभ यानी 1/ क्रय मूल्य 4 × 100, ठीक है। 4 एक कम 4, 4 दुना 8, यहाँ पे 2 बचेगा, 4 5 20, ठीक है। तो लाभ कितना हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 25%, कहीं ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जाएगा 25% हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कितने आसानी से आप क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है, बहुत ही आसान है, और मैं लगभग हर टाइप के क्वेश्चन को और हर लेवल के क्वेश्चन को चलूंगा, ठीक है। यानी आसान से आसान क्वेश्चन को भी किया जाएगा और अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन को किया। अगला जो क्वेश्चन है, एक पंखे को 1200 रुपए में बेचकर, 1200 रुपए में बेचकर एक पंखे को 1200 रुपए में बेचकर संजय 200 रुपए की हानि करता। संजय क्या करता है, संजय 200 रुपए की हानि करता है।
यानी जब 1200 रुपए में बेचता है तो संजय को 200 रुपए की हानि करता है, क्या करता है 200 रुपए की हानि करता है, ठीक है संजय 200 रुपए की हानि करता है, कितने में बेचने पर 10% लाभ होगा। अगला जो टॉपिक है कितने में बेचने पर 10% का लाभ होगा, 10% का लाभ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक तरह से पहले तो ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन में क्या दिया है 1500 दिया है पहला ऑप्शन 1500, दूसरा ऑप्शन दिया है 1520, तीसरा ऑप्शन दिया है 1560 और जो चौथा ऑप्शन दिया है वो दिया है 1540, ठीक है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, अब किस पे आते हैं सॉल्यूशन पे। अब देखिए पंखे को 1200 रुपए में बेचकर यानी उसने बेचा कितना, अगर एसपी स्पष्ट रूप से दिया कि 1200 रुपए में बेचता है, ठीक है। अब जो है और 200 रुपए की हानि यानी 1200 बेचा है तो उसको 200 रुपए की हानि हो रही है, 1200 रुपए में बेचा 200 रुपए की हानि हो रही है, इसका ये मतलब हुआ कि उसने खरीदा कितने में होगा 200 अधिक में खरीदा होगा तभी तो 1200 बेचने पे उसको 200 रुपए की घाटा होगा, इसका मतलब उसने 1400 में खरीदा होगा, ऐसे ही क्लियर है। 1200 रुपए में बेच रहा है तो 200 रुपए की घाटा हो रहा है, इसका मतलब उसने कितने में खरीदा होगा 1400 में खरीदा होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको पता चल गया कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 1400 है, कितना है 1400। अब पूछा है कि कितने में बेचने पर 10% का लाभ होगा, यानी अब नया एसपी पूछा, एसपी पुराना एसपी तो 1200, अगर वो कितने में बेच दे कि उसे 10% का लाभ हो और लागत मूल्य हमको 1400 पता है तो 10% का लाभ हो यानी 1400 का यानी 10% का लाभ, तो 1400 का 110% निकाल दीजिए तो 110% का मतलब 110/100 तो 20 कैंसिल। अब 14 का 11 में मल्टीप्लाई करिए, 14 एकम 14 हासिल 14 एकम 14 15 आगे एक जीरो है तो कितना आ रहा है 1540, यानी जो नया एसपी होगा वो कितना हो जाएगा 1540। अगर उसे 10% का लाभ चाहिए तो सीधे सीधे आप 110% निकाल दीजिए, अगर यही पूछता 20% का लाभ तो सीधे 120% निकाल, अगर पूछता 20% की हानि तो 80% निकाल दीजिए। तो ये तरीका है, तो जिसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा 1540 होगा। इस तरह से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपने आसानी से समझ लिया, ठीक है। अब चलिए चलते हैं इस सीरीज का जो है सबसे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इस सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है चलिए। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन बड़े ही आसानी से आपने समझ लिया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जो है आज के इस सीरीज का उसके बाद प्रैक्टिस 4, 5, 6 हर तरह के क्वेश्चन को मैं इंक्लूड करूंगा, ठीक है। आगे देखिए यदि 10% अगला जो क्वेश्चन है, यदि 10% और 11% के लाभ पर 11% के लाभ पर एक बैग के विक्रय मूल्यों का अंतर 11 रुपए है एक बैग के विक्रय मूल्य का अंतर जो है रुपया आएगा, तो बैग का लागत मूल्य क्या है, तो बैग का लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य का मतलब हुआ क्रय मूल्य क्या है। ऑप्शन आपका जो पहला ऑप्शन दिया ₹1100, पहला ऑप्शन दिया है ₹1100 है, दूसरा ऑप्शन ₹1000 है, तीसरा ऑप्शन 1200 है और चौथा ऑप्शन जो है 1010 है, ये चार ऑप्शन, ठीक है। आप इसको बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, कितना आसान क्वेश्चन, 10% और 11% के लाभ पर एक बैग के विक्रय मूल्यों का अंतर ₹11 है, बैग का लागत मूल्य क्या है, इतना तो तय है कि बैग का क्रय मूल्य कुछ होगा,
अगर 10% के पे बेचता है और 11% पे बेचता है तो जो लाभ आ रहा है उसके बीच का अंतर 11 रुपया, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य जो है 100 रुपया है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? मान लीजिए कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो 100 रुपया है, ठीक है। तो 100 रुपया है, तो 100 रुपया है तो दोनों ही परिस्थितियों में 100 रुपया है। जब 10% के लाभ पे बेच रहा है तो भी क्रय मूल्य 100 रुपया है, और जो 11% के लाभ पर बेच रहा है तो क्रय मूल्य दोनों ही परिस्थितियों में क्या है? सेम है। पहले परिस्थिति में 10% के लाभ पे बेच रहा है तो बेचा कितना? जब का लागत मूल्य 100 रुपया है तो 10% के लाभ पे बेच रहा है, 100 का 10% 10 होता है, यानी कितने में बेच रहा है? 110 में बेच रहा है, ठीक है। और 11% के लाभ दूसरे कंडीशन में भी सीपी कितना है? 100 रुपया। 11% के लाभ पे बेच रहा है तो 100 का 11% 11 हो गया, तो 100 का तो बेचेगा कितना? इसका मतलब कितने में बेचेगा? 111 में बेचेगा, 11% का लाभ है। यानी पहले परिस्थिति में एसपी कितना? 110 है। दूसरे परिस्थिति में एसपी कितना? 111 है। तो इनके बीच का अंतर क्या है? इनके बीच का अंतर क्या है? 1 है। यानी इनके बीच जो इनको प्रॉफिट हुआ उसके उसका उसके बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा? 1 रुपया होगा। कितना होगा? 1 रुपया। लेकिन इसने बताया है कि लाभ पर बैंक के विक्रय मूल्यों का अंतर, पहले परिस्थिति में विक्रय मूल्य 110 है, दूसरे परिस्थिति में 111 है, इनके बीच का जो विक्रय मूल्य का अंतर है 1 यूनिट का है। क्वेश्चन में बताया ये 11 रुपया है, इसका मतलब 1 यूनिट किसके बराबर है? 11 रुपए के बराबर है। हमने सीपी को माना है 100, यानी कास्ट प्राइस को 100 माना है, तो 100 यूनिट किसके बराबर होगा? जब 1 यूनिट 11 के बराबर, 100 यूनिट किसके बराबर होगा? 1100 के बराबर होगा, ठीक है। तो बैग का लागत मूल्य क्या होगा? 1100 होगा। तो इस तरह से कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपने समझ लिया। तो ये प्रॉफिट लॉस की ये तीसरी श्रृंखला थी, मतलब तीसरा प्रैक्टिस सेट था। अभी 2-3 प्रैक्टिस सेट और मैं प्रॉफिट और लॉस का कराऊंगा, उसके बाद देखूंगा, या तो मैं भी हो सकता है रेशियो और प्रोपोर्शन शुरू करूं, या सीआई और एसआई शुरू करूं, ठीक है। और इसके साथ ही जो है ये मैथ की सीरीज है, इसके साथ ही साइंस की भी मेरी एक श्रृंखला चल रही है जिसमें साइंस के बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि रेलवे और या यूपी लेखपाल, यूपीपी, सीएचएसएल, एमटीएस, जो भी एग्जाम की आप तैयारी करें उसके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और साथ में मैं अब मॉडर्न हिस्ट्री भी शुरू करने वाला हूँ, उसकी सीरीज जो है जल्द ही शुरू होने वाली है, ठीक है। तो अगर चाहते हैं कि चैनल पे आप बहुत सारी चीजों को सीखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। मेरा चैनल नया जरूर है लेकिन आपको हर चीज के कंटेंट मिलते रहेंगे, ठीक है। आप सीधे कंटेंट पे जाइए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू।